तो ये कम्प्लीटली बन चुकी है और अब इसको ट्राई करके देखेंगे और तभी सही पता लगेगा कि इसमें अभी भी क्या प्रॉब्लम है या बिल्कुल सही हो चुकी है। और इधर देखिए हमारे सारे फ्रेंड कहीं शादी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो कहाँ जा रहा है तू? हैं? शादी में जा रहे हैं, शादी में। ये कहाँ जा रहा है? ये बता रहा था कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं, कहाँ जा रहा है? चलो भाई घूम के आओ, मास्क लेके जाना जरूर और किसी से टच नहीं होना। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी की सर्विस हो रही है यहाँ पे, ये देखिए। क्योंकि कल हम आ रहे थे, मैं अपने फ्रेंड के घर आ रखा हूँ, तो कल जब हम आ रहे थे तो ये रास्ते में ख़राब हो गई और लॉकडाउन की वजह से हमें रास्ते में कोई मिस्त्री वगैरह भी नहीं मिला। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे लड़के इसमें लगे हुए हैं और ये सारे फ्रेंड ही है, सारे मिल के ही इसको रिपेयर कर रहे हैं। और देखिए पूरा इसका परिवार खोल रखा है, ये देखिए कितने सारे इसके बर्तन हैं अंदर। और इसमें प्रॉब्लम बेसिकली ये आई थी, ये बेल्ट जो है ना, इसे बेल्ट टूट गई थी, आप देख सकते हैं दो जगह से टूटी हुई है, तो इस वजह से स्लिप हो रही थी, मतलब चल ही नहीं रही थी। तो फिर इसमें पंचर हो गया जब हम ला रहे थे खड्डों की वजह से, तो हमने ट्यूब भी डलवाई। और आगे से ये देखिए इन्होंने पूरा खोल रखा है, तो अभी इसे रिपेयर करके इसमें अंदर डाल रहे हैं। और इसमें क्या डलेगा? इधर ये तेल कहाँ से निकला? यहाँ से जी। अच्छा ये क्या चीज़ है, क्या बोलते हैं इसे? सील। ये भी कट गई थी, इसी की वजह से आ रहा था ना तेल इसमें? अच्छा ये तेल इसी की वजह से आ रहा था। ओके ठीक है, तो कितनी देर लग जाएगी यार इसमें? अच्छा मैं बताऊंगा ये तुम्हें। ये देखिए ये डायलॉग बोल रहा है, ये हमें, ये हमारी गाड़ी है और हम घर जा रहे हैं, तो देखो। इसे खोल देना सौरभ, इसे खोल दे, जब भी तो होगा ये सही। आगे वाला पहिया कहाँ है इसका? अच्छा अच्छा ये देखिए सीट पे पहिया रखा हुआ है, तो ये पहियों को लेके जाएगी अपने आप। नई वाली बेल्ट ये देखिए, तो फ्रेंड ये नई वाली बेल्ट है। और ये कितने की आती है बेल्ट? 200 रुपये की। और आगे और क्या डाला इसमें? बोस। तो ये देखिए यहाँ पे इसकी बैटरी होती है, देखिए ये हॉर्न है और ये इसका लॉक है। लाइट वगैरह तो आपको पता ही है अंदर का सिस्टम है सारा। तो एक इसमें प्रॉब्लम, जो मेन प्रॉब्लम आई थी वो यहाँ पे ये आई थी, आप देख सकते हैं जो तेल है ना, ये इसका मेन जगह से नहीं निकल रहा, ये यहाँ से निकला है, यहाँ से निकला है। तो ये सील कौन सी है यार? ये वाली है ना, ये दो पड़ी है इधर। अच्छा ये वाली, ये देखिए ये सील जो है ना, ये कट गई थी यानी खराब हो गई थी, तो इनकी वजह से ये जो तेल यहाँ पे देख रहे हो आप, ये यहाँ से निकला था, यहाँ से, तो यहाँ तेल नहीं आना चाहिए। तो इस तेल की वजह से पता है क्या प्रॉब्लम हुई? ये देखिए ये यहाँ पे लगता है ये वाला हिस्सा, तो यहाँ से तेल आना शुरू हो गया था और इसकी तेल आने की वजह से ये जो बेल्ट है इसकी ये खराब हो गई। तो बेल्ट खराब होने की वजह से ये स्लिप होने लगा और फिर गाड़ी बिल्कुल भी चल नहीं रही थी, यानी ये बिल्कुल भी ताकत नहीं लगा रही थी, तो इसमें ये प्रॉब्लम आई। तो इसी वजह से इसमें ये नई बेल्ट डलेगी और आगे की जो प्रॉब्लम है, आगे का इसका थोड़ा हैंडल भी डिसमिस हो रहा था, तो उस वजह से इसमें बूस्ट डले हैं और भी इसमें काफ़ी सामान डला है। तो अभी देख रहे हैं क्या क्या डल रहा है इसमें, बाद में जो टोटल होगा बाद में मैं बताऊँगा आपको, अभी तो सारे दोस्त लगे पड़े हैं इसमें। ये देखिए, ये देखिए हमारे डांसर ऋतिक। अरे फेस दिखा तू, फेस क्यों नहीं दिखा रहा? ये देखिए सर हमारी से। लड़के बच रहे भाई, तेरे पीछे तेल रखा है, इसे हटा ले। ये निकला हुआ है कि इसमें से? अच्छा ये अलग से लायो, बोलेगा भाई ये? अच्छा चोर है, दमाद दे। देखिए पहिया तो बांध दिया इन्होंने, जल्दी फाड़ता है ना भाई, पहिया तो बांध दिया, अगला पहिया इसका ठीक हो गया है। ये इसका कटोरा, कटोरा क्या बोलते हैं इसे, कटोरा? इसका नाम ही कटोरा है या कुछ और बोलते हैं? कटोरा, ये कैसा नाम है? अच्छा कलस्सू। और भाइयों ये देखिए, ये यहाँ पे भाई किट लगा रहा है इसमें, तो मेन चीज यही खराब थी इसकी, जिसकी वजह से इसमें तेल आ रहा था जी। और पूरी सारी प्रॉब्लम की जड़ यही थी, क्योंकि तेल आने की वजह से ये स्लिप हो रही थी इसकी बेल्ट, ये है पुरानी, तो स्लिप होने से क्या हो रहा था, मतलब इंजन जान ही नहीं लगा रहा था, क्योंकि मोबिल ऑयल इसको चिकना कर देता है पूरी चीज सिस्टम को, इंजन को, तो चिकना होने की वजह से वो फिसल रहा था, मतलब गरारी पे बेल्ट चल ही नहीं पा रही थी। अच्छा उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ, बेल्ट ही खराब हो गई अपनी, ये देखो ये बेल्ट खराब हो गई,
ठीक है, तो बेल्ट खराब होने की वजह से इंजन पे मतलब ये चल ही नहीं पा रही थी, तो इस वजह से कुछ भी ताकत नहीं लग रही थी, एक ही जगह बहुत साउंड कर रही थी ये गाड़ी घें घें ऐसे। मेरे हाथ गंदे हो गए, कैसे साफ करूँ? चाट लू? ले तू चाट ले, ले ले चाट। सारे लगे पड़े हैं लड़के। सौरभ मिस्त्री, तू भी तो मिस्त्री है। बढ़िया लग रहा है। मेहंदी लगा रखी क्या तूने? अच्छा ऐसे तेरे पहले से ही ऐसे हैं। ये कटोरी, अगर सौरभ इनमें से कोई भी चीज कम हो जाए, एक भी गोली निकल जाए, तो कोई प्रॉब्लम आएगी? कुछ नहीं, चलन में नहीं पाएगा, क्योंकि सही से पकड़ नहीं पाएगा ना, वो काम ही नहीं हो पाएगा सही से इससे। और ये देखिए फिट कर दिया भाई ने, बस ये कंप्लीट होने वाली है, तो जब ये बांधेगा तब मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए अभी ये बांध रहे, और एक नई चीज मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए यहाँ पे ये भाई कवर चढ़ा रहे गद्दी पे, दिखाना बोले कैसे चढ़ेगा ये अलग है ना, बाजार से आता है। अच्छा ये देखिए अलग से लाया और इस पे चढ़ाएगा ये। बोले इस पिन को क्या बोलते हैं मशीन को? स्टेपलर। स्टेपलर मशीन। अच्छा और ये देखे सब्जी वाला, सब्जी वाले चले गए। ये देखिए हमारा फ्रेंड अक्षय। ये हमारा सबसे बढ़िया फ्रेंड है और हीरो है एकदम। इसकी वीडियो भी आप डांस की देख सकते हो, काफी बढ़िया डांसर है। तो ये कम्प्लीटली बन चुकी है और अब इसको ट्राई करके देखेंगे और तभी सही पता लगेगा कि इसमें अभी भी क्या प्रॉब्लम है या बिल्कुल सही हो चुकी है। और इधर देखिए हमारे सारे फ्रेंड कहीं शादी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। कहाँ जा रहा है तू? हैं? शादी में जा रहे हैं, शादी में। ये कहाँ जा रहा है? ये बता रहा था कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं, कहाँ जा रहा है? चलो भाई घूम के आओ, मास्क लेके जाना जरूर और किसी से टच नहीं होना। तो देखिए कंप्लीट हो चुकी है बस अब फाइनली, अब इसको टेस्ट ड्राइव करके देखेंगे और फिर सही तो तभी पता लगेगा इसमें कोई प्रॉब्लम अभी भी है या नहीं है। बाकी मेजर जो प्रॉब्लम थी जैसे बेल्ट होगी और भी दो तीन सामान है वो सब इसमें डल चुके हैं और बस अब इसको टेस्ट ही करने वाले हैं। ठीक है तो गाइस देखिए ये भाई साहब अभी से स्टार्ट करके देख रहे हैं और देख सकते हैं स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए तो भाइयों ये हमारे सबसे बड़े मिस्त्री है जो इस वाली बाइक पे लगे पड़े हैं, इनका नाम है भोला और भोला भाई इस पे लगे पड़े हैं, ये पल्सर गाड़ी है। ये देखिए इसकी रिपेयरिंग कर रहे हैं। बहरहाल हमारी गाड़ी ये है, इसे ही हम टेस्ट कर रहे हैं। तो अब इसकी सर्विस हो चुकी है लगभग, तो देख सकते हैं भाइयों अब ये भाई इसको टेस्ट करके देखेगा और फिर पता लगेगा इसमें और कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। ब्रेक ब्रेक ठीक है सागर? तो रख बड़ी आवाज कर रहा है। ओके तो आप देख सकते हैं तो भाइयों फाइनली स्कूटी हमारी रिपेयर हो चुकी है। तो भाइयों आज के ब्लॉग में बस इतना ही, आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।